दिवल, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल कर रहे थे, जो कि स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग था। इसकी एक्सरसाइज हमने 2.1 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो देखिए ध्यान से। मल्टीप्लाई, सबसे पहले इन्होंने बोला कि मल्टीप्लाई करो और फिर रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में, और उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर लोएस्ट फॉर्म, और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि है 7 × 3/5। क्लियर, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट और मैंने नीचे लिख भी लिया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टी। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं, बस ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सी भी प्रॉब्लम जा रही हो, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो तो आप नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर ऊपर वाली वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी है और नीचे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसको अगर आप कंफ्यूज ना हो तो अपॉन में 1 लिख लो। चलो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिख भी देता हूँ, 7/1 × 3/5। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 जा होता है 21, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 जा होता है हमारा 5। ठीक है, अब ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म मतलब होता है कि अगर ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आ रहे हो तो उस टेबल से हमें इनको डिवाइड कर देना है या फिर कैंसिल कर देना है। अब 21 और 5 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यही है इसका लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो लोएस्ट फॉर्म वाला पार्ट मेरा ऑलरेडी हमें करना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फ्रैक्शन आया हमारा ये लोएस्ट फॉर्म में आया है। अब थर्ड स्टेप आ जाता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप 21 को अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। 5 × 4 जो होता है हमारा 20, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझे। 4 एक आपको साइकिल बनानी है, किसकी साइकिल, फ्रैक्शंस की साइकिल। कैसे, देखो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, उसके बाद ये जो 4 है हमारा, ये जो 4 है ना, ये आएगा हमारा कहाँ पर, बीच में। मतलब ये 4 हम, ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ना, इसके यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 5 है ये पहुँच जाएगा नीचे, ये 5 पहुँच जाएगा नीचे। तो इस फ्रैक्शन को जिसको हम लिख रहे हैं, तो इसमें 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो सबसे नीचे 1 है ये पहुंच जाएगा मेरा सबसे ऊपर, तो 1 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप ध्यान से समझे, एक अगर आ गया और कोई बड़ा टास्क नहीं है समझना, ये हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। तो इसको पहले, अगर किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। क्लियर, और भी हम बी सी डी सारे पार्ट कर रहे हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है आपके टीचर्स बोलें कि डिवीजन वाला पार्ट आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना, तो ये वाला पार्ट हमारा कहीं कैंसिल हो जाएगा और आप कहीं रफ वर्क में इस पार्ट को करेंगे। क्लियर, आप डायरेक्ट जो इसके बाद ये डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सो दिस इज द आंसर बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हम बी वाला पार्ट करते हैं, बी वाले पार्ट से और ज्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला जो पार्ट है, बी बोल देता हूँ, मतलब सेकंड ही है उसका मतलब, 4 × 1/3। अब वही बात हो गई कि जो मैंने आपसे बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखा तो 1 लिखेंगे, 1/3। अब ऊपर ऊपर वाली वैल्यू नीचे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करना है हमारे लिए, 4 × 4 हो जाएगा और 1 × 3 = 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 4 और अंदर ऊपर वाला अंदर आता है, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे
ये, ठीक है, वन को, ये जो वन है ये हम लेकर के आएंगे यहां पर, इसका मतलब वन मेरा यहां आ जाएगा इस फ्रैक्शन में बीच में, ठीक है। ये वाला जो थ्री है ये मेरा पहुंच जाएगा सबसे नीचे, तो फ्रैक्शन में हमें कहां पर लिखना है इसको, सबसे नीचे। और ये वाला जो वन है मेरा जो डिवाइड किया हमने, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये वन मेरा सबसे ऊपर। तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। इसमें भी अच्छा, ये भी हमारा क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में था। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या, कि ये दोनों वैल्यूज, ये जो दोनों वैल्यूज है ये किसी सेम टेबल में नहीं आती हैं। अगर सेम टेबल में आती ये वैल्यूज तो इसको हम सिंप्लीफाइड करते, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। 2 × 6/7, थर्ड पार्ट 2 × 6/7 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 × 6/7 लिखा, चाहो तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लो, 2 6 जा होता है हमारा 12, 1 7 जा 7। अब देखो जरा 12 और 7 किसी सेम टेबल में आते हैं तो नहीं आते हैं दोनों, है ना, मीन्स किसी सेम टेबल में। इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। इस वजह से मुझे डिवाइड, 7 बन जा 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, तो 5 डिनोमिनेटर में। इसकी वजह से ये जो 1 है मेरा आ जाएगा सबसे ऊपर वाला, ये जो 1 है ये यहाँ आएगा, 7 जो है वो नीचे आएगा, 5 जो है वो सबसे ऊपर आएगा। तो ये आ रहा मेरा आंसर 1 7/5/7। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड तो हमने कर लिया, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेट अस डू फोर्थ पार्ट। 5 × 2/9, 5 × 2/9 सॉल्व करो। सॉल्यूशन लिखते हैं, 5/1 लिख सकते हैं हम, 2/9 लिख दिया, 5 2 जा होता है हमारा 10, 1 9 जा होता है 9। डिवाइड करो, क्योंकि दोनों 10 और 9 कभी भी किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो बचा 1। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में खींचेंगे एक लाइन, ये वाला 1 आ जाएगा मेरा यहाँ, ये 9 आ जाएगा मेरा नीचे, और 1 सबसे नीचे जो लिखा है वो सबसे ऊपर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 1 1/9। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पार्ट पे, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है, बस एक बार समझ जाओ। फिफ्थ वाला पार्ट ही करना है हमें, हाँ फिफ्थ वाला पार्ट करना है। ये रहा हमारा 2/3 × 4, फिफ्थ वाला पार्ट 2/3 × 4। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन एस को हम फिर से लिखते हैं, 2/3 × 4। अच्छा अब इधर पे इन्होंने थोड़ी सी वैल्यू मीन्स इस साइड शिफ्ट कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे 4 के नीचे लिख लो 1, 2 4 जा होता है 8, 3 1 जा होता है 3, 8 और 3 किसी सेम टेबल में नहीं आता है, अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो 8 और 3 को डिवाइड कर दो, 3 2 = 6, 8 में से 6 गया 2 बचा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये जो 2 है लाइन खींचेंगे ये बीच में आएगा, ये 3 जो है वो नीचे आएगा, ये 2 जो है वो सबसे ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं हम बच्चों सिक्स्थ वाले पार्ट पर। सिक्स्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है 5/2 × 6, ये आया मुझे लगता है मिक्स फ्रैक्शन मीन सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन, 5/2 × 6। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन लिखना रहेगा, लिख देते हैं सॉल्यूशन 5/2 × 6 और उसके नीचे 1 पहले कर देते हैं, चलो ठीक है। डिवाइड मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा चलो कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 6, 5 6 जा होता है हमारा 30 और 2 1 = 2, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 और 2 को डिवाइड करना है हमारे लिए, तो हो जाएगा क्योंकि 30 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। दैट मींस 30 भी जो है मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आएगा। साइड में मैं डिवाइड करके बता देता हूँ, वैसे तो 15 आएगा, 2 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, 0 नीचे आएगा, 2 5 = 10, ठीक है। तो पूरा डिवाइड हो गया या नहीं, आंसर क्या आया 15 आया, तो ये मैं लिख दूंगा 15। क्लियर, इनको डिवाइड करने के बाद
अब बच्चों क्या है कि ये ऑलरेडी मेरा किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, है ना, ऑलरेडी ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको अब हम और ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते क्योंकि ये न्यूमरेटर बस बचा है, अगर डिनोमिनेटर में लिख करके वन करेंगे भी तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको बस इतना ही छोड़ देना है इक्वेशन। तो सिक्स वाला पार्ट हो गया हमारा, अब हम आ जाते हैं सेवेंथ वाले पार्ट पर। जो सेवेंथ वाला पार्ट है लिख लो 20 × 4/5, ठीक है, 20 × 4/5 अगर क्वेश्चन में देखना हो तो ये है, सॉरी ये तो एट्थ पार्ट है, जस्ट वेट अ मिनट, ये लिख लिया मैंने सेवेंथ पार्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सेम प्रोसेस, 11/1 करो इंटू 4/7 लिख दो, क्लियर, मल्टीप्लाई करो 11 फोर जा ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई, 11 फोर जा 44, 1 7 जा 7, 44 और 7 किसी सेम टेबल में आते नहीं है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही दिया हुआ है 44/7 हमारे लिए। इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 6 जा होता है हमारा 42, डिवाइड करेंगे 44 में से 42 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे आंसर के लिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ये 6 हमारा आ जाएगा बीच में, ये 7 आएगा सबसे नीचे और 2 आ जाएगा हमारा सबसे ऊपर। तो ये बच्चों हमारा रहा किसका, सेवेंथ पार्ट का भी आंसर, क्लियर। अब हम करते हैं क्या, एट्थ वाला पार्ट, एट्थ वाले पार्ट में देख लो जरा क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी लिख दिया था 20 × 4/5, तो करते हैं सॉल्व इसके लिए सॉल्यूशन, 20 × 4, अच्छा इसको अपॉन 1 करके लिख देते हैं क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो 24 × 80 और 15 × 5, 80 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा कहीं साइड में, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो पूरा नंबर 5 की टेबल में आता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखने रहेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे मैथ्स। 5 × 5, 8 में से 5 गया कितना बचा 3 और ये 0 नीचे आ गया, 5 × 6 = 30, तो कितना आ गया आंसर 16, आंसर इज 16, तो इसका जो फाइनल आउटकम आया वो है 16। आर यू गेटिंग दिस, तो 8th पार्ट ऑल्सो डन, 9th पार्ट, नाउ वी आर डूइंग पार्ट 9th, 9th पार्ट ये रहा हमारा 3 × 1/3, ठीक है, 13 × 1/3, सॉल्यूशन 13 के नीचे 1 लिखेंगे इंटू 1/3, मल्टीप्लाई करो 13 × 1 = 13 और 1 × 3 = 3, तो 13/3, 13 और 3 किसी सेम टेबल में आते नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 4 जो होता है हमारा 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, क्या करेंगे 4, ये वाला जो 4 है ये बीच में आएगा, ये वाला जो 3 है वो नीचे आएगा, ये वाला जो 1 है वो ऊपर आएगा, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है 13, ठीक है। अब 10th वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा 10th वाला पार्ट है ये रहा, इसको हम लिखते हैं, टोटल 10 पार्ट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो सॉल्यूशन 15/1 हम लिख सकते हैं इंटू 3/5 हम लिख सकते हैं, 15 × 3 जो होता है 45, तो 45 भी हम लिख सकते हैं और 15 जो होता है 5 नीचे, तो हमने 5, अब 45 और 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 9 = 45 होता है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत जाए तो मैं करके भी बता देता हूँ, 5 × 9 = 45 पूरी तरीके से कैंसिल हो गई ये दोनों वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया 9, अल्टीमेटली 9 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अपॉन में तो ये है ही नहीं। तो ये रहे बच्चों हमारे सारे आंसर, अब अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इसके सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके सारे पार्ट्स आप एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।